मैं अभी चाइना या जापान में नहीं हुई, इंडिया का व्यू है, इसको देख। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको देख के यकीन ही नहीं होगा कि ये हमारा इंडिया है। और मैं बोलता हूँ कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कंट्री है, और इंडिया के कुछ शहर ऐसे दिखते हैं 2023 के अंदर, जिसे देख के आप खुद शॉक हो जाओगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को एंड तक देखना। जैसे मैं इस प्लेस पर उतरा था ना, तो मुझे लगा कि मैं दुबई के अंदर हूँ। आप सामने देख सकते हैं, बहुत से लोग जहाँ पर जॉब करते हैं उनको पता होगा दुबई का व्यू बिल्कुल ऐसा ही दिखते हैं। उल्टा यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है दुबई से भी, मैं दुबई से भी अच्छा बोलूँगा इसको। गुरुग्राम सिटी को देखिए, उस तरफ खूबसूरत सी बिल्डिंग, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे, इंडस्ट्री एरिया है, और कुछ ये शहर ऐसा दिखता है। मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत शानदार था। और यहाँ की रोड के ऊपर है ना, आपको सुपर कार, बहुत सारी महंगी महंगी कार भी देखने को मिली, सुपर बाइक्स तो यहाँ पे घूमती ही रहती हैं। तो बस मैंने अहमदाबाद, मुंबई सारे के सारे घूमे शहर, लेकिन इतना डेवलप शहर है ना इंडिया के अंदर मैंने नहीं देखा था अभी तक। और मैं खुद भी मतलब हैरान था कि इंडिया में इस टाइप के भी शहर है। इस वीडियो को आप जैसे आगे आगे बढ़ेगी ना ये वीडियो, तो आप खुद भी शौक हो जाओगे कि ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आपको चाइनीज़ देखने को मिलेगा, अफ्रीकन देखने को मिलेगा, रशियन तो यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कंट्री के लोग इधर ही रहते हैं, यहाँ पर ही जॉब करते वो लोग। और ये है यहाँ की मेट्रो, इसको बोला जाता है रैपिड मेट्रो। इसका प्राइस मेरे से लगा था 30 रुपये, मेरे को नेक्स्ट लोकेशन पे जाना था तो काफ़ी मुझे सस्ता लगा। और यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है दिल्ली नोएडा हर चीज़ के लिए। और मेट्रो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, आपको शायद मतलब साउथ कोरिया टाइप तो वाइब 100% आ रही होंगी। तो अभी मैं आपको एक ऐसी जगह घुमाता हूँ जिसको बोलते हैं साइबर हब, इसको बोला जाता साइबर सिटी गुरुग्राम। इसको देख के तो लोग वैसे ही इंडिया के बहुत अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और इसकी नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैफेज़ वगैरह बहुत कुछ हैं जो कि आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। मुझे तो यहाँ पे आके ऐसा लगा ना कि सच में क्या ये प्लेस इंडिया के अंदर ही है, या फिर मैं हांगकॉन्ग के अंदर घूम रहा हूँ, या फिर मैं जापान के अंदर पहुँच चुका हूँ। मुझे मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। बस मुझे मेरे देश के अंदर एक बात ये अच्छी लगती है कि हम लोग क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पेड़ पौधे हैं ना, जैसे वो कप्स के अंदर रखे हुए हैं, और ये साइबर हब का व्यू, जैसे आप ये देख सकते हैं अम्ब्रेला के अंदर इतना खूबसूरत पेड़, फिर सेकेंड अम्ब्रेला। मतलब कोई भी चाहे किसी भी कंट्री का अगर इस जगह पर आएगा ना, तो उसका पहला इम्प्रेशन वो यही होगा कि वाह नाइस। और एक कार वो रही मेरे सामने सुपर कार, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी सुपर कार्स आती है और यहाँ पे रेस भी होती है उनकी, उसकी भी मैं कभी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी जैसे ही मैं चढ़ा ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे कैफेस हैं, काफ़ी महंगे महंगे कैफे, और वहाँ से आपको व्यू बहुत ही शानदार दिखता है और काफ़ी ब्यूटीफुल ये एरिया मुझे लगा। यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है ना, कि आपको देख के ऐसा ही मतलब मज़ा आ जाएंगे यहाँ के आपको। और इंडिया के अंदर हर दूसरी कार जो मतलब इसके इंडिया के अंदर रोड पर चल रही है ना, वो हरियाणा के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि गुड़गांव के आसपास में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। और गुड़गांव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है इंडिया का। मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आपने कभी सिंगापुर के एयरपोर्ट का वीडियो देखा होगा ना, तो उसकी ही बिल्कुल सेम टू सेम बना रखा है ये वाला, आप देखिए बिल्कुल। और हमने तो यहाँ पे पेड़ पौधे के मतलब एकदम ओरिजिनल फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई पैदल चल के तो दिखा था, देखो पैदल चल के कुछ ऐसा दिखता है, कुछ भी एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद ग्राउंड के अंदर जाके वीडियो बनाता हूँ, तो ये देखिए ग्राउंड से कुछ ऐसा लगता है। ये बहुत सारे रशियन लोग थे, मैंने इनसे बात करी है, इनको मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे घूमने के बाद इनका प्लान था ऋषिकेश जाने का। गाइस ये है यहाँ का फुट ओवर ब्रिज, और ऐसे ऐसे ब्रिज आपको गुड़गांव में हर जगह देखने को मिलेंगे, हर जगह। और गाइस नीचे तो है चौड़ी चौड़ी सड़कें, आजू बाजू बहुत सारे ऑफिसेस और बिल्डिंग हैं, उसके बीच में देखिए कैसे ये एक बना रखा है ब्रिज, और उसके ऊपर किस तरीके के पेड़ पौधों का काम किया गया वो देखिए। इतने खूबसूरत फूल लग रहे थे ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप जापान के अंदर ही हो। कुछ सेम टू सेम व्यू आ रहा जापान का ही,
कहीं पे भी गंदगी नहीं है। लोग बागों की जो बोलते हैं ना सोच के, इंडिया के बारे में जो लोगों की सोच है, वो आई थिंक इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंडिया के अंदर इस टाइप के हैं ना कम से कम 25 से 30 शहर रेडी हो रहे हैं। हर मतलब हर स्टेट के अंदर इस टाइप के शहर बनाने का मिशन रखा गया है। ये देखिए फूल रखे हुए हैं, ग्रीन ग्रास है, एकदम मस्त। इससे आप चलो यहाँ पर, और मतलब इस जगह पे आपको आने के बाद में है ना मतलब फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर हो। और गैस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग मेरी ही वीडियो पर रिएक्शन देखे हैं ना, काफ़ी सारे उन्होंने सब्सक्राइबर पा लिए हैं, लेकिन आप मुझको सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे से क्या दुश्मनी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये देखिए हमारे लोग कुछ इस तरीके से मेंटेन करते हैं, और ये है पूरा DLF साइबर हब, जिसके काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं, और इसका फास्ट फॉरवर्ड व्यू एंजॉय कीजिए आप। और अभी मैं आपको घुमाता हूँ रोड से कि किस टाइप से दिखता है ये शहर और यहाँ की कार। सो गाइस अभी मैं आपको पूरा इसका स्काई स्क्रेपर का पूरा व्यू दिखाऊंगा, कितनी सारी यहाँ पर बिल्डिंग्स है और क्या कुछ है, शहर कैसा लगता है। तो आप इस व्यू को पूरा एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ये है पूरा गोल्फ कोर्स रोड वाला जो आता है एरिया, वहाँ का है पूरा व्यू, ये मैंने मेट्रो से लिया था। मुझे तो गाइस मेट्रो से भी मतलब अगर आप मेट्रो से भी अगर आप करोगे ना सफ़र, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप दुबई के अंदर ही हो सच में, क्योंकि मतलब इतनी हरियाली। और देखिए आप हर जगह पेड़ पौधे, खजूर के पेड़, नारियल के पेड़, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर, जो मतलब जो लोगों की है ना सोच इंडिया को लेके, वो आई थिंक काफ़ी हद तक बदल जाएंगे इस वीडियो के बाद में। और वैसे भी हम लोग दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है ना, तो ऐसे ऐसे तो शहर आने वाले 10-20 साल में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। गैस ये कोई बिल्डिंग नहीं है, मेट्रो स्टेशन है, प्लस नीचे मॉल है, ऊपर बहुत सारे शॉप्स भी हैं, इसके अंदर से मेट्रो जाती है और इसके अंदर से ही मेट्रो बाहर निकलती है। इस जगह का नाम है हुडा सिटी सेंटर गुरुग्राम। सो गैस वीडियो बस इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर हो नोएडा सिटी के ऊपर, उसके बाद हम इंडिया के बहुत सारे शहर भी घूमेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर दिस वीडियो, और जब तक अपना ध्यान रखना, बाय।